जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी बारिश के मौसम में स्वीट कॉर्न काफ़ी अच्छे और मीठे मिलते हैं और उसका उपयोग करके हम विविध प्रकार की चाट और पकौड़े तो बनाते ही है। तो आज हम स्वीट कॉर्न का उपयोग करके हलवा बनाना सीखेंगे। ये हलवा आप श्री ठाकुर जी को अन्नसकड़ी की सामग्री के रूप में मान भोग में धर सकते हैं और ये काफ़ी सुंदर और प्रभु लायक सिद्ध होता है। तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक अवश्य देखिए और रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली एवं वैष्णवों के ग्रुप में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो हलवा बनाने की शुरुआत करते हैं। हलवा बनाने के लिए मैंने दो नंग बड़ी साइज़ के स्वीट कॉर्न लिए हैं। वजन के मुताबिक ये 500 ग्राम है। गुजरात में इस स्वीट कॉर्न को अमेरिकन मकाई के नाम से भी जाना जाता है। हम जो भून कर मकाई खाते हैं वो देसी मकाई होती है और उसमें रस की मात्रा कम होती है, इसलिए हलवा बनाते वक्त आप स्वीट कॉर्न का ही उपयोग करें क्योंकि वो अंदर से एकदम रसदार होते हैं। अब इस तरह के बड़े छेद वाले ग्रेटर की मदद से हम मकाई को कद्दूकस कर लेंगे। मकाई को आप मिक्सी जार में पीस कर उपयोग में ना लें, वरना उसके छिलके और पल्प दोनों अलग हो जाएगा और हलवा नरम बनेगा। इस तरह से आप कद्दूकस करके लोगे तो उसके अंदर एक अलग सा क्रंच तैयार होगा। स्वीट कॉर्न अच्छे से फ्रेश हो वैसे ही ले। एक हैवी बॉटम कढ़ाई में 100 ग्राम यानी कि आधा कप जितना देसी घी लेकर उसे लो फ्लेम पर गर्म करें। घी गुनगुना गर्म हो जाए फिर उसमें थोड़े बादाम और काजू के टुक पदरा कर 8 से 10 सेकंड के लिए उसे लो फ्लेम पर भून ले ताकि वो सुनहरे रंग के हो जाएंगे। ये ड्राई फ्रूट्स का हम हलवा को गार्निश करने के लिए उपयोग करेंगे। काजू बादाम अच्छे से भून गए हैं, उसे एक प्लेट में निकाल ले। मैंने 3 चम्मच यानी कि वजन के मुताबिक 30 ग्राम सूजी ली है। उसकी जगह पर आप बारीक रवा भी ले सकते हैं। सूजी को गर्म घी में पदरा कर वो अच्छे से भून जाए और उसका दाना फूल जाए तब तक स्पैचुला की मदद से लगातार चलाते रहे। जैसे सूजी का हलवा सिद्ध करते वक्त हम सूजी को भूनते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमें उसे भुनना है। ये हलवा में सूजी पदराने से हलवा की बाइंडिंग और फ्लेवर दोनों बहुत ही अच्छी आएगी। सूजी को भुनते वक्त बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, वरना वो कच्ची रहेगी तो हलवा सुंदर सिद्ध नहीं होगा। सूजी अच्छे से फूल गई है और उसमें से थोड़ी खुशबू भी आने लगी है। इस तरह से घी सेपरेट होने लगे, फिर हमने जो स्वीट कॉर्न कद्दूकस करके रखे थे उसे कढ़ाई में पदराए और सूजी के साथ अच्छे से मिला ले। स्वीट कॉर्न के अंदर जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो सब जल जाए तब तक हमें उसे लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करना है। ये हलवा बनाने में करीबन 20 से 25 मिनट का समय लगता है। ये हलवा की रेसिपी मुझे आनंद के कुकिंग एक्सपर्ट जमीला बेन वोरा और कलर्स गुजराती रसोई शो के माध्यम से सीखने को मिली है। तो आप दोनों का खूब खूब धन्यवाद। मिश्रण को 5 से 6 मिनट तक कुक करने के बाद जो स्वीट कॉर्न के अंदर मॉइस्चर था वो सब जल गया है और मिश्रण में से घी भी सेपरेट होने लगा है। इस तरह से मिश्रण थोड़ा गाढ़ा हो जाए फिर हम उसमें 1 कप यानी कि 250 ml फुल क्रीम दूध पदराएंगे। दूध रूम टेम्परेचर पर हो या गुनगुना गर्म हो वैसा ही पदराए। अगर आप फ्रीज में से निकाल कर ठंडा दूध पदराओगे तो हलवा बनने की जो कुकिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगी और उसे बनने में अधिक समय लगेगा। दूध पदराने के बाद स्पैचुला की मदद से लगातार चलाते रहे ताकि हलवा में सूजी के या स्वीट कॉर्न के बिल्कुल भी लम्स ना बने। अब सारा दूध अच्छे से जल जाए और हलवा में से घी सेपरेट होने लगे तब तक हमें उसे लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करना है। हलवा बनाने के लिए इस तरह की बड़ी कढ़ाई का ही उपयोग करें। अगर आपको ये मान भोग में केसर पदराना हो तो दूध में 8 से 10 धागे जितना केसर गोल कर भी पदरा सकते हैं, लेकिन अभी हम केसर के उपयोग के बिना ही हलवा सिद्ध कर रहे हैं तो जो स्वीट कॉर्न का नेचुरल कलर है वैसा ही हलवा का कलर आएगा। 5 से 6 मिनट के बाद सारा दूध जल गया है और जो मिश्रण है वो स्पैचुला के ऊपर बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा। इस स्टेज पर हम उसमें मिठास के लिए 1 कप मीठा खोवा यानी कि दूध का मीठा मावा पदराएंगे। ये मावा मैंने 1 लीटर फुल क्रीम दूध
और 80 ग्राम शक्कर का उपयोग करके सिद्ध किया है और स्वीट कॉर्न के हिस्से की हम 4 चम्मच शक्कर पधराएंगे। अगर आप फीका मावा पधराओ तो शक्कर आप 100 ग्राम पधराए, लेकिन अभी मैंने मीठा मावा पधराया है इसलिए शक्कर का मेज़रमेंट मैंने कम कर दिया है, क्योंकि मावा में भी मैंने ऑलरेडी शक्कर ऐड की हुई है। अब खोया और शक्कर को मिश्रण के साथ अच्छे से मिला ले और स्पैचुला की मदद से इस तरह से प्रेस करें ताकि वो गर्म होकर एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाए। अगर आपके पास दूध का खोया अवेलेबल ना हो तो दूध के साथ आप 1 कप दूध की ताज़ी मलाई पधराओगे तो भी हलवा काफ़ी दानेदार और सुंदर सिद्ध होगा। 5 से 7 मिनट के बाद खोया और शक्कर अच्छे से मेल्ट होकर मिक्स हो गया है और कढ़ाई में से घी भी सेपरेट होने लगा है। इस स्टेज पर हम उसमें फ्लेवर के लिए 1/2 चम्मच इलायची का पाउडर पधराएंगे और गैस बंद करके हलवा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ये हलवा में थोड़ा क्रंच पसंद हो तो आप उसमें 1/2 चम्मच सूखा मेवा के टूक भी पधरा सकते हैं। ये हलवा आप 1 दिन तक रूम टेम्परेचर पर और 4 से 5 दिन तक रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं। तो श्री प्रभु को भोग धरने के लिए स्वीट कॉर्न हलवा बनकर तैयार है। हलवा को एक पात्र में सजाकर ऊपर से घी में तले हुए काजू बादाम से सजावट करेंगे। तो आप भी ये सामग्री श्री प्रभु के लिए अवश्य सिद्ध करें और वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसी प्रभु लायक सामग्री एवं सात्विक रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।